Hello students, let's start reading the second chapter of Gulmohar. A rupee goes a long way. Adapted from A rupee goes a long way by Ruskin Bond. Ranji had a one rupee coin. Ranji ke paas ek rupee ka sikka tha. So he made his way to the Jamuna sweet shop. टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर एंड आस्क फॉर अ रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज वो यमुना स्वीट शॉप जाता है काउंटर पे अपना एक रुपए का सिक्का रखता है और एक रुपए के सिक्के के वर्थ एक रुपए के सिक्के के में जितनी जलेबियां होंगी वो मांगता है कि एक रुपए की जितनी जलेबियां होंगी मुझे दे दो द शॉपकीपर लुक डट द कॉइन केयरफुली द कॉइन्स नो गुड ही सेड शॉपकीपर उस सिक्के को ध्यान से देखता है और कहता है कि यह सिक्का सही नहीं है आर यू श्योर रंजी आस्त और रंजी उससे पूछता है आप श्योर हैं कि यह सिक्का सही नहीं है दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो और वो दुकानदार कहता है कि ये सिक्का बहुत पहले ही इस्तेमाल से खत्म हो चुका है अब ये सिक्का यूज नहीं किया जाता अब ये सि इस सिक्के की वैल्यू नहीं है सेट द shopkeeper. इट इज इंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल एंड इट इज इंट न्यू इनफ टू बाय ये इतना भी पुराना नहीं है कि इसकी वैल्यू हो इसे एज अ एंटीक रखा जाए एक पुराने सिक्के की तरह इसकी वैल्यू की जाए या फिर ये इतना नया भी नहीं है कि इससे तुम कुछ सामान खरीद सको रणजी श्रग टुक द कॉइन बैक एंड टर्न ऑन टू द रोड रंजी दुखी हो जाता है वो थोड़ा निराश हो जाता है और अपना सिक्का वापस लेकर रोड की तरफ चला जाता है रंजी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सून रंजी वॉज वैंडरिंग थ्रू द बाजार और जल्दी ही रंजी बाजार में घूम रहा है बीच में बाजार के बीच में व्हेन he ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस बिहाइंड हिम और तभी उसके पीछे से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है वेर आर यू गोइंग रंजी? तुम कहाँ जा रहे हो रंजी इट वॉज मोहिंदर सिंह वो कौन था मोहिंदर सिंह था जिसने रणजी को आवाज लगाई रणजीज फ्रेंड रणजी का दोस्त मोहिंदर सिंह इन वन हैंड मोहिंदर हेल्ड अ होम मेड फिशिंग रॉड और मोहिंदर सिंह के एक हाथ में मछली पकड़ने वाली फिशिंग रॉड थी मछली पकड़ने वाला डंडा था जो कि होम मेड था घर में बनाया हुआ ही था आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर सेट और रणजी उसे कहता है कि मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा था वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे थे आई एम नॉट गोइंग आई हैव बीन मोहिंदर सेड और मोहिंदर कहता है कि मैं जा नहीं रहा हूँ मैं जाकर हो, हो आया हूँ आ चुका हूँ जाकर आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग मैं पूरे दिन आज कैनाल में मछलियाँ पकड़ रहा था रंजी स्टेड एट द फिशिंग रॉड विल यू लैंड टू मी रणजी ध्यान से फिशिंग रॉड को देखता है रणजी की नज़र फिशिंग रॉड पर है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ये दोगे ही आस्क यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट मोहिंदर सेड और मोहिंदर कहता है कि या तो तुम इसे खो दोगे या तो तुम इसे तोड़ दोगे बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू टू रूपीज और वह कहता है मैं पर हाँ मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ अगर तुम उसके बदले मुझे दो रुपए दो तो आई हैव गॉट वन रुपी सेड रनजी रणजी कहता है पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही रुपए हैं बट इट्स एन ओल्ड वन और वो भी क्या है पुराना सिक्का है द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट वो स्वीट सेलर ने मिठाई बेचने वाले ने मिठाई के दुकानदार ने ये सिक्का नहीं लिया प्लीज़ लेट मी सी इट सेड मोहिंदर और मोहिंदर कहता है कि ठीक है मुझे दिखाओ ही टुक द कॉइन एंड looked इट ओवर वो सिक्का लेता है और देखता है आई डोंट सपोज इट्स वर्थ मच कहता है कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है बट माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन मगर मेरे जो अंकल हैं मेरे चाचा वो पुराने सिक्के जमा करते हैं गिव इट टू मी एंड आई विल यू द रॉड ये मुझे दे दो मैं इसके बदले तुम्हें रॉड दूँगा ऑल राइट सेट रंजी रंजी कहते हैं ठीक हैपी टू मेक द एक्सचेंज और वो काफी खुश है ये एक्सचेंज करके ही टुक द फिशिंग रॉड वेव्ड गुड बाई टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ वो फिशिंग रॉड ले लेता है मोहिंदर से उसको गुड बाय कहता है अपना हाथ हिलाकर वेव कर करकर, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलॉन्ग कुछ देर बाद एक ट्रक वहां से गुजरती है रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप रंजी ड्राइवर को जानता था वो उसकी तरफ हाथ हिलाता है इशारे करता है और चिल्लाता है तब तक जब तक कि वो रुक ना जाता रुक ना गया हो वो रुका विल यू टेक मी टू द रिवर आस्ट रंजी और रंजी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे रिवर तक ले चलोगे आई एम गोइंग फिशिंग मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं क्लाइम्ब अप इन द बैक द ड्राइवर सेट और ड्राइवर कहता है कि ठीक है तुम पीछे चढ़ जाओ रणजी क्लाइंबड इन टू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक रणजी ट्रक पे पीछे चढ़ जाता है सून ही वॉज वॉचिंग द रो रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम और जल्दी ही वो देखता है कि रोड उसके बगल से गुजरती जा रही है मतलब वो चलने लगा ट्रक चलने लगा इन अल्ड द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड और थोड़ी देर बाद ट्रक नदी के किनारे रुकती है रंजी गॉट डाउन रंजी नीचे उतर गया थैंक द ड्राइवर एंड बिगैन वॉकिंग अलोंग द बैंक वो ड्राइवर को थैंक कहता है शुक्रिया अदा करता है ड्राइवर का और वो नदी के किनारे चल पड़ता है इट वॉज द ड्राई सीजन एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो गर्मियों का मौसम था और नदी काफ़ी शैलो हो गई थी शैलो हो जाना मतलब बहुत कम गहरी रह गई थी पानी बहुत कम हो गया था मडी स्ट्रीम और और स्ट्रीम जो था उसमें सिर्फ मिट्टी थी जो धारा बह रही थी वो इतनी गहरी नहीं थी कि उसमें मछलियाँ हो बहुत कम पानी था नदी में स्ट्रीम में और वो पूरी मिट्टी से भरी पड़ी थी रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर रणजी ऊपर नीचे कर जाता रहा और उसे कहीं भी अच्छा पानी नहीं मिला डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फिश उसे कहीं भी इतना पानी इतना गहरा पानी नहीं मिला जहां पे भी छोटी छोटी मछलियां भी हों नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव दिस रॉड ही मटर्ड और वो अपने आप में धीरे धीरे फुसफुसाता है और कहता है कि, कि इसीलिए मोहिंदर ने मुझे ये रॉड दे दिया इतनी आसानी से क्योंकि मछलियां पानी है ही नहीं नदियों में इसलिए मछलियां भी नहीं है एंड विथ अ श्रग ही टर्न बैक और फिर वो मुड़ता है और वापस चला आता है इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू बाजार काफी गर्मी है और काफी दूर था बाजार से नदी तो उसे इतनी गर्मी में बहुत लंबा लंबी दूरी तय कर कर वापस बाजार आना पड़ा देर वेर राइप मैंगोज ऑन द ट्री रास्ते में उसे एक पेड़ मिला जहाँ पे पके हुए मैंगोज थे एंड रंजीत ट्राई टू गेट एट अ फ्यू ऑफ देम विद द टिप ऑफ द फिशिंग रॉड रंजी ने सोचा कि इस रॉड से फिशिंग रॉड से मछलियाँ तो नहीं पकड़ी गई पर इसकी हेल्प से वो आम तोड़ सकता है उसने आम तोड़ने की कोशिश की बट दे वेर वेल आउट ऑफ रीच मगर वो काफ़ी ऊंचे थे उसकी पहुँच से बाहर थे ही थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज एंड ही हैड नॉट बिन एबल टू बाय दैट ही हैड नॉट बिन एबल टू बाय फिर से उसे जलेबियों की याद आ गई फिर से वो जलेबियों के बारे में सोचने लगा जिसे वो नहीं खरीद पाया था ही हैड रीच द फ्यू स्कैटर्ड हाउसेज वेन ही सॉ अ बॉय प्लेइंग अ फ्यूट थोड़े दूर वो चलता है और कहाँ पहुँचता है थोड़ी थोड़े दूर पे दूर दूर पे स्कैटर्ड हाउसेज है मतलब बहुत दूर दूर पे कुछ घर हैं वहां पहुंचता है जहाँ पे एक लड़का है जो कि फ्लूट बजा रहा है ही ही सो बॉय प्लेइंग अ फ्लूट जो बांसुरी बजा रहा है उसे एक लड़का दिखता है जो बांसुरी बजा रहा है इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून गर्मी का मौसम है और दोपहर का वक्त हो रहा है और चारों तरफ गर्मी के मौसम का सन्नाटा फैला हुआ है द फ्लूट मेड अ चेयरफुल साउंड उस सन्नाटे में फ्लूट की आवाज काफी मधुर बहुत ही चेयरफुल लग रही है रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग रंजी रुक जाता है द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग और रंजी को देखकर वो लड़का अपना फ्लूट बजाना बंद कर देता है द बॉय हैड हिज आई ऑन रणजीज फिशिंग रॉड उस लड़के की नज़र रंजी के फिशिंग रॉड पे है रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट और रंजी की नजर उसकी फ्लूट पे है उसकी बांसुरी पे है बीन फिशिंग आस्क द फ्लूट प्लेयर फ्लूट बजाने वाला लड़का रणजी से पूछता है कि क्या तुम मछलियां पकड़ रहे थे बीन फिशिंग यस सेड रणजी और रणजी कहता है कि हां डिड यू कैच एनी थिंग क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी नो सेड रणजी और रणजी कहता है कि नहीं आई डिडेंट स्टे वेरी लॉन्ग मैं ज्यादा वक्त तक नहीं रुका देर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस बहुत देर तक दोनों चुप रहे गुड रॉड और रंजी कहता है उस लड़के से कि ये रॉड काफी अच्छा है दिस इज अ गुड फ्लूट सेट द बॉय और वो लड़का कहता है कि ये अच्छी बांसुरी है रंजी टुक द फ्यू फ्यूट एंड एग्जामिन रंजी उससे वो बांसुरी ले लेता है और उसे ध्यान से देखता है पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड वो उसे अपने होठो पे रखता है और बजाता है देर वॉज दिल्स और उस बासुरी से श्रिल्स क्विकी जोड़ की पतली आवाज निकल कर आती है एंड अस्ट्रेटल मैगपाई फ्ल्यू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री और जो बर्ड uh, बैठे हुए थे मैंगो के पेड़ पे वो उस आवाज़ को सुनकर उड़ जाते हैं नॉट बैड सेड रंजी और रंजी कहता है कि ये बुरा नहीं है द बॉय हैड टेक इन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग ओवर इट और उस लड़के ने रंजी से वो फिशिंग रॉड लिया था और वो उसे देख रहा था नॉट बैड ही सेड और वो उस रॉड को देख कर कहता है कि यह भी बुरा नहीं है hesitated no longer. रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर रंजी ज्यादा देर तक हेजिटेट नहीं करता है ज्यादा देर तक रुकता नहीं है ज्यादा देर तक सोचता नहीं है और कहता है लेट्स एक्सचेंज और क्या कहता है कि चलो हम बदल लेते हैं इसे अ ट्रेड वॉज मेड और उन दोनों ने एक दूसरे के बीच में ट्रेड किया बंद उस लड़के ने जो बांसुरी बजाने वाला लड़का था उसने रंजी को अपनी बांसुरी दे दी और रंजी ने उसे अपनी फिशिंग रॉड दे दी उनके बीच में एक ट्रेड हुआ व्यापार हुआ द बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे उस लड़के ने अपना फिशिंग उस लड़के ने रंजी से फिशिंग रॉड लिया और अपने रास्ते चल पड़ा लीविंग रंजी विद द फ्लूट और रंजी को उसने अपना फ्लूट दे दिया रंजी बिज्ञान प्लेइंग द फ्लूट रंजी बांसुरी बजाने लगा द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम और उसे बांसुरी बजाने में काफी मजा आ रहा था उसे बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लग रही थी बट दे स्टैटल पीपल हु पासिंग बाय ऑन द रोड मगर ये लोगों को अचंबित कर रहा था स्टेटल कर रहा था जो उसकी वजह से उसकी उसके बगल से गुजर रहे थे वेन द वेन ही केम टू द क्लॉक टावर वेर द बाजार बिगैन ही सैट ऑन द लो वॉल एंड ब्ल्यू विग्रस्ली ऑन द फ्लूट थोड़े देर बाद वो क्लॉक टावर के पास पहुंचता है जो कि बाज़ार की शुरुआत में है क्लॉक टावर के पास से बाज़ार शुरू होती है वहाँ पे वो एक लो वॉल पे नीचे नीची दीवार पे बैठता है और बहुत ही एनर्जी के साथ अपने फ्लूट को बजाने लगता है बहुत ही जोर से पूरी एनर्जी लगाकर वो अपने फ्लूट को बजा रहा होता है आई कैन प्ले बेटर देन डैट सेट अ बॉय हु वॉज कैरिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैंस एक लड़का वहां आता है जो कि बहुत सारे खाली दूध के बर्तन लिए हुए है और वो कहता है कि आई कैन प्ले बेटर देन दैट मैं इससे अच्छा फ्लूट बजा सकता हूं मैं इससे अच्छी बांसुरी बजा सकता हूं लेट्स सी सेड रंजी और रंजी उसको कहता है कि ठीक है देखते हैं द बॉय टुक द flute एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून वो लड़का उससे बांसुरी लेता है और एक बहुत अच्छी सी बहुत मधुर छोटी सी धुन बजाता है यू कैन हैव इट फॉर अ रूपी सेट रंजीव और रंजीव से कहता है कि तुम इसे ले सकते हो एक रुपए में आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर और वो कहता है मेरे पास सेट द बॉय और वो लड़का कहता है कि मेरे पास इस पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है बट यू कैन हैव दिस नेकलेस मगर तुम ये नेकलेस ले सकते हो ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन वो रंजी को एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस दिखाता है और जो कि रंगीन पत्थरों से बना हुआ है बहुत ही चमकते हुए रंगीन पत्थरों से बना हुआ है द स्टोन वॉज वेरी प्रीशियस एट द बॉय और वो लड़का कहता है कि ये जो स्टोन्स हैं ये काफी प्रीशियस है काफी महंगे काफी आ, अच्छे स्टोन्स हैं तुम ये नेकलेस ले सकते हो ये हार ले सकते हो दे वेर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत ये जो पत्थर हैं, ये प्रीशियस स्टोन्स जिनसे ये मालाएं बनी है जिससे ये नेकलेस बना है ये माउंट पहाड़ों के पास तिब्बत में पाया जाता है रंजी न्यू द स्टोन हैड लिटिल वैल्यू रंजी जानता था कि ये स्टोन जो है ये कोई खास महंगी पत्थर नहीं है इसकी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है बहुत अधिक वैल्यू नहीं है बट दे वेर पिटी मगर वो काफी खूबसूरत थे दिखने में एंड ही वॉज टायर्ड ऑ ऑफ द फ्लूट और वो फ्लूट बजाते बजाते थक भी चुका था दे मेड द एक्सचेंज इसीलिए उन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्ल्यूट और वो लड़का जो दूध कैन वाला लड़का था वो फ्लूट बजाता हुआ चला गया रणजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू इज पॉकेट वेन ही नोट इज द गर्ल्स टेयरिंग एट हिम रणजी उस नेकलेस को अपने पॉकेट में डालने ही वाला था तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि उसके नेकलेस को देख रही है जो कि उसकी तरफ देख रही है स्टेयर कर रही है जिसकी नजर उस नेकलेस पे है हर नेम वॉज कोकी उस लड़की का नाम कोकी है एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस और वो कोकी रंजी के घर के बगल में ही रहती है हेलो कोकी ही सेड वो कोकी को ग्रीट करता है हेलो कहता है वट्स दैट यू यू हैव गॉट रंजी और वो पूछती है कि वो क्या है जो तुम तुम्हें मिला है रंजी अ नेकलेस वुड यू लाइक टू हैव इट और वो कहता है कि ये एक नेकलेस है हार है क्या तुम ये लेना चाहोगी ओह थैंक यू सेट को कोकी क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर और कोकी उसको कहती है कि हाँ थैंक यू मैं जरूर से लेना चाहूंगी अपने हाथ को क्लैप करती हुई ताली बजाती हुई खुशी में वन रूपीज वन रूपी सेट रणजी रणजी कहता कि एक रुपया लाओ ओह से ओ शी वॉज एक्सपेक्टिंग इट फॉर फ्री वो फ्री में उसे लग रहा था कि रणजी उसे फ्री में ये नेकलेस दे देगा बट ही आस्क फॉर वन रूपी शी मेड अ फेस वो अपना फेस बनाती है चेहरा बनाती है बट रणजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग पर रणजी दूसरी तरफ देख रहा था और गुनगुना रहा था गाना गुनगुना रहा था कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस कोकी नेकलेस को देखती रही स्लोली शी ओपन द लिटिल पर्स और फिर धीरे से वो अपना छोटा सा पर्स खोलती है टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रुपीज और उससे वो चमकता हुआ एक नया सिक्का निकालती है एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी और रंजी को दे देती है रंजी हैंडेड हर द नेकलेस रंजी उसे वो नेकलेस दे देता है देन ही रैन अक्रॉस टू द जुमना स्वीट शॉप एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर और फिर वो वापस जुमना स्वीट शॉप जाता है और काउंटर पे एक रुपया देता दे, देता है जलेबी फॉर अ रुपी ही सेड और कहता है एक रुपए की जलेबी मुझे दे दो द स्वीट सेलर स्टडी द कॉइन केयरफुली एंड सेड ऑलवेज एट योर सर्विस स और फिर स्वीट सेलर उस कॉइन को ध्यान से देखता है और कहता है कि ऑलवेज एट योर सर्विस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है ही फिल्ड अ बैग विथ हॉट जलेबीज एंड हैंडेड एक पेपर बैग में एक कागज के बैग में जलेबियां भरता है गरम गरम जलेबियां भरता है और रणजी को दे देता है वेन रणजी रीच द क्लॉक टावर ही फाउंड कोकी वेटिंग जब रणजी वापस क्लॉक टावर पहुंचता है तो देखता है वहां कोकी इंतजार कर रही है ओ आई एम सो हंग्री सी सेड वो कहती है कि मैं भी काफी भूखी हूं गिव हिम अ शाही स्माइल और उसे शरमाते हुए स्माइल करके ये बात वो उसको कहती है सो दे सैड साइड बाय साइड ऑन द लो वॉल वो लोग दीवार पर बैठते हैं एंड कोकी हेल्प रंजी फिनिश द जलेबीज और दोनों जलेबियां खाते हैं ओके सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड Uh, in next video we will discuss the exercise. If you like the explanation, please don't forget to like subscribe and share the video. And thank you for watching this video.